जुले, भारत में कोई गुजरात का है तो कोई पंजाब का, कोई मणिपुर का है तो कोई गुजरात का, लेकिन हम सभी को एक साथ हिंदी जोड़ते हैं। भारत में कोई डोगरी बोलते हैं तो कोई मलयालम, कोई तमिल बोलते हैं तो कोई तेलुगु, लेकिन हम सभी को एक साथ एक दूसरे से संवाद करने का माध्यम हिंदी प्रदान करता है। भारत में कोई कोई उत्तर से है तो कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से है तो कोई पश्चिम से, लेकिन हमें अपने विचार आदान प्रदान करने का माध्यम हिंदी ही प्रदान करते हैं। जुड़े, आज है हिंदी दिवस, यानी आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस। आज के दिन हमारे विद्यार्थी तंजीलहानजिस हिंदी दिवस पर अपना विचार साझा करना चाहते हैं। साथ में तंजिन लेक्सो, तंजिन जिगमेत से चौक और तंजिन सचल हिंदी में कविताएं सुनाना चाहता है। तो आज मैं आप लोगों को उन्हें एक एक करके यहाँ पर बुलाता हूँ। धन्यवाद। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सभी का अभिमान है हिंदी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम तंजस है। आज 14 सितंबर है और हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर के दिन सन 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह विश्व के सबसे एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने देश एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंदी हमारी अखंडता को बनाए रखने का एक माध्यम भी है। धन्यवाद। जान जन की भाषा है हिंदी, भारत का भाषा है हिंदी। हिंदी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामना। मेरा नाम तंजिन लेक्सो है। आज मैं आप सभी लोगों को एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सितारों पर अकर दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी गीत सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची जू जू शोर मजाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। झूले में मेरा नाम स्थानीय दचल है। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ, घर जिसका नाम है मेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट कठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। हम लाए जाकर चार खिलौने रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाथ। घुटने और पैर, सिर कंधे घुटने और पैर।